हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट नेम चेंज गजट का प्रोसेस क्या है, या फिर पासपोर्ट में आपको नेम करेक्शन करवाना है उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, पासपोर्ट में नेम चेंज जब भी आपको ने करवाना है, जब भी आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल या रीइश्यू के लिए अप्लाई करते हो, उसमें नेम में कोई भी करेक्शन है या कोई भी सरनेम हटाना है, लगाना है, कुछ भी आप डिटेल डालते हो और जब वहाँ पे जाते हो अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो चाहे आपने डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से बनवा भी रखे होंगे, फिर भी यहाँ पे हायर चांस है कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वो आपसे बोलेगी कि आप यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, तभी हम आपका काम करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो आपकी डिटेल पहले ये थी, अभी आपका नेम चेंज हो गया या सरनेम ऐड हो गया या करेक्शन है, चाहे आपने आधार कार्ड पहले चेंज करवा भी लिया होगा, फिर भी हायर चांसेस है कि वो आपसे गजट नोटिफिकेशन मांगेंगे। लेकिन जब वो गजट नोटिफिकेशन मांगते हैं तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि गजट नोटिफिकेशन बनेगा कहाँ से। जब वो अपने लोकल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग बैठे उनको पता ही नहीं होता गजट का प्रोसेस क्या है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं ऑनलाइन सर्च करते हैं, कुछ उनको ऐसे एजेंट मिल जाते हैं जिनको प्रॉपर कुछ नहीं पता होता फाइल प्रोसेस करने का। वो अपनी फीस लेते हैं और कॉपी पेस्ट करके आपका मैटर बना देते हैं, आपको दिल्ली भेज देते हैं, वहाँ पे जाते हो आपकी फाइल में रिजेक्शन लग जाती है। या कुछ लोग बोलते हैं वैसा ये प्रोसेस है कि आप कुरियर से अपनी फाइल भेज सकते हो, वैसे ये कभी भी हम रेकमेंड तो नहीं करते हैं, जिसमें तीन तीन चार चार महीने लग जाते हैं, आपको कोई अपडेट ही नहीं मिलता, ना ही गजट नोटिफिकेशन आता है। तो एग्जैक्ट इसका वे क्या है, किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हो, किस तरीके से जल्दी आप अपना जो गजट नोटिफिकेशन निकाल सकते हो, चाहे पासपोर्ट नेम चेंज का गजट है या फिर नेम करेक्शन है, आपको इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं से भी करवाना है, सेम प्रोसेस ये एप्लीकेबल होने वाला है। और इसमें ये भी बताऊंगा कि अगर आपने मेरे साथ डायरेक्टली फ़ोन पे बात करना है, तो आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे मैसेज देखता हूँ कि आपका फ़ोन लगता नहीं है, बिल्कुल फ़ोन लगता नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है, अगर आपको फ़ोन पे बात करें उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो सारा कुछ होगा, उसकी बात भी हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो पासवर्ड नेम चेंज गजट अगर आपको बोल दिया गया है या पहले से अवेयर हो, पहले से आप गजट नोटिफिकेशन निकलवाने के बाद ऑफिस में जाना चाहते हो, पासपोर्ट में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, देखिए प्रोसेस क्या है, सिंपल इज दैट। यहाँ पे आईडी प्रूफ की सबसे पहले बात आ जाती है, आईडी प्रूफ आपके दो चाहिए होंगे। अगर आपने दिमाग लगा करके पहले से डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवा लिया जैसे जैसे करके, लेकिन आपको गजट नोटिफिकेशन के लिए आपको पुराना ही आईडी चाहिए। अगर नहीं कोई आईडी बचा है, कुछ आपको एडवाइस कंसल्टेशन करनी है, तो उसके लिए मैं तो बैठा हूँ, आपको बताता हूँ उसका आगे प्रोसेस क्या है। दो आपको आईडी प्रूफ चाहिए होंगे जो कि पुराने नाम से होने चाहिए, जिस नाम से आपका पासपोर्ट है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड में ये है कि पहले ये बंदे का ये नाम था जो गलत था, जो पहले से चल रहा है। उसके दो डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे गजट ऑफिस के लिए, लगेंगे पासपोर्ट साइज की फोटोज लगेंगी। उसके बाद में सबसे पहला जो प्रोसेस है, आपने एक एफिडेविट बनवाना है, अगर तो सरनेम का केस होगा, सिर्फ सरनेम के केस में, फिर जो आपका एफिडेविट होगा उसको आपने जो भी आपके एरिया का एसडीएम होगा या फिर तहसीलदार का भी चल जाता है, उससे आपका एफिडेविट अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर करेक्शन है, माइनर करेक्शन है या नेम चेंज है, मान लो सुरेश कुमार से साहिल कुमार भी करवा रहा हूँ, तो भी ये सभी नॉर्मल नेम चेंज के गजट में आते हैं, जिसमें सरनेम को छोड़कर, जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जो नॉर्मल है नेम चेंज है या करेक्शन है, नोटरी से अटेस्ट करवाना है, जो कि बहुत ही इजीली हो जाता है। नोटरी तो हर जगह पे आपको मिल जाते हैं, वो अपना 150 200 250 जो भी चार्ज लेते हैं आपको अटेस्ट वो कर देते हैं। और सरने वाले में एसडीएम से आपको करवाना पड़ता है या फिर तहसीलदार से करवाते हैं, क्योंकि भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, तो ये आपने करवाना है सरनेम के केसेस में। एफिडेविट जब आपका बन जाता है, उसकी एक कॉपी न्यूज़पेपर वाले भी लेते हैं, तो न्यूज़पेपर में आपने एड पब्लिश करनी है। न्यूज़पेपर में आप एड जब पब्लिश करो, उसमें आप बताओगे कि ये नाम से आपका अब ये नाम हो गया है, सरनेम है, तो सरनेम के बारे में बताओगे कि मैं पहले सुरेश कुमार था, अब मैं सुरेश कुमार कश्यप हो गया, या एक्स वाई जेड जो भी आपका सरनेम है, या सिंपल नेम चेंज है सुरेश से साहिल कुमार, तो वो चीज़ आप वहाँ पे दोगे। न्यूज़पेपर की एड आएगी, यहाँ पे ध्यान रखो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर की एड काफ़ी है जो कि आपके एरिया में आती हो। पहले था कि दो न्यूज़पेपर की एड लगती थी, एक लोकल न्यूज़पेपर की एड लगा करती थी और एक लगती थी नेशनल की, लेकिन अभी एक न्यूज़पेपर से काम चल जाता है। लेकिन कुछ लोग जिनको नहीं पता, वो अभी भी दो न्यूज़पेपर की एड के लिए आपको बोलते हैं, लेकिन एक से आपका काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर की एड बन जाती है, उसके बाद में आपने एक एप्लीकेशन टाइप करनी होती है, जो कि आपने गजट ऑफिस को यहाँ पे एड्रेस करके एप्लीकेशन रहता है, रिक्वेस्ट फॉर नेम चेंज का। अगर आप 18 प्लस हो तो मेजर के लिए, अगर बच्चा है कोई 18 साल उसकी उम्र कम है तो वो माइनर का केस बनेगा, जिसमें या तो उसकी मदर या उसका फादर उसका केस अप्लाई करेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ साथ एक परफॉर्मा है जहाँ पे दो विटनेसेस के साइन लगेंगे, और एक एग्जैक्ट वो मैटर जो कि गजट में पब्लिश होना है उसको आप एमएस वर्ड की फाइल बनाओगे, उस फाइल में आपने कॉपी करना है सीडी में। सीडी में डालने के बाद जो भी उसमें मैटर रखा लिखा रहेगा, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है सेम उसी मैटर का, साथ में वो सर्टिफिकेट बन करके लगेगा।
पूरी फाइल पे आपके साइन होंगे। सारी फाइल जब कंप्लीट हो जाती है, फिर आपने भरत कोश की वेबसाइट है वहाँ पे आपने रसीद कटवानी होती है, गवर्नमेंट फीस की रिसिप्ट क्या है। अगर तो सिंपल नेम चेंज है या कुछ भी है वट एवर, तो यहाँ पे कितना लगेगा आपका, आपका लगेगा 1100 रुपये। अगर माइनर का केस है तो 1700 रुपीज़ लगेगा, ये सरकारी फीस की बात करूँ जिसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी। उसके बाद में अगर केस करेक्शन का है, मान लीजिए अगर आपका कोई पासपोर्ट से थोड़ा सा अलग साइड में भी चले जाएँ, 10th+2 के मार्कशीट में करेक्शन है, मदर के फादर के नाम में करेक्शन है, तब पब्लिक नोटिस का मैटर बनता है। उसमें जो गवर्नमेंट फीस है 1400 लग जाती है, तो फीस भी अलग अलग होता है। मतलब हर चीज़ डिपेंड करती है आपके केस के ऊपर। अगर आप ये समझोगे कि कहीं से कोई मैटर उठा करके कोई बंदा ये समझ ले कि उसका मैटर ही आप में काम आ जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपने गलत बनवा ली तो पैसे भी खराब होंगे, बाद में गजट काम भी नहीं आएगा। इसीलिए एक प्रोफेशनल यहाँ पे किसी भी जो बंदा लीगल काम कर रहा है उससे आप जरूर से एडवाइस ले लें। अगर आपके लोकल एरिया में कोई एडवोकेट अगर आपको मिल जाते हैं उनसे आप बात कीजिए, अगर वो ये काम करवाते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि ज़्यादातर ये काम वो करते नहीं हैं। आप ट्राई कर सकते हो। अब बात आते हैं कि आपने अगर हमसे फ़ोन पे बात करना है तो क्या प्रोसेस है। देखिए YouTube पे वैसे तो जो बेसिक आपकी क्वेरीज हैं हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने अपना काम करवाना है, कोई डाउट क्वेश्चन है आपको सीरियस हो, उसके लिए अगर फ़ोन पे बात करना चाहते हो, तो प्रोसेस ये है कि नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कंसल्टेशन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर भी मिलेगा जिस पे कॉल नहीं लगेगी, सिर्फ उस नंबर पे आप अपनी अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ उसी चीज़ का वहाँ पे जवाब मिलेगा, उस नंबर पे कॉल नहीं लगेगी। मैं पहले बोल रहा हूँ, जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो, अपॉइंटमेंट लेने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेरी तरफ से कॉल बैक आ जाती है, और उसमें जो भी आपका केस है, जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है आपके केस में, वो हम आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, और आपको ये भी सुजेस्ट करते हैं कि आपको गजट बनवाना चाहिए भी या नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सभी को बोलते हैं कि भाई आ जाओ हमसे गजट का फाइल का मैटर ले लो, हमें फीस पे कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम मना करते हैं। बहुत सारे केसेस में हम डायरेक्टली लोगों को मना कर देते हैं कि आप गजट के प्रोसेस में मत जाओ, लेकिन जो पासपोर्ट के केस जहाँ पे आपसे मांग ही लिया गया उस केस में तो भाई आपको बनवाना ही पड़ेगा। उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सभी चीज़ों के बारे में हम जो भी अपॉइंटमेंट लेते हैं उससे हम बात करते हैं फ़ोन पे। तो ये प्रोसेस है, विदाउट अपॉइंटमेंट हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेरीज हैं, तो जो बेसिक कॉमन क्वेरीज होती हैं उसके लिए तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं भाई, उनसे ही पे से आपको जवाब मिल जाएंगे। कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली आप फ़ोन पे बात कीजिए। बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट लेते हैं, बहुत नॉमिनल से फीस लेते हैं, वो भी हम माइनस कर देते हैं। अगर आप कोई फाइल के लिए हमें एप्लीकेशन देते हो या अप्लाई करते हो, उसमें से वो भी फीस हम माइनस कर देते हैं, तो वो जो पूरी डिटेल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एफिडेविट का जो मैटर होता है उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बना रखी है, आइडिया के लिए उस वीडियो को देख लेना, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आपके केस में नहीं होने वाला है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो भाई प्रॉब्लम आ ही सकती है, आपको फाइल तो प्रॉपरली बनवाना पड़ेगा। और ऑनलाइन बहुत सारे यहाँ पे ये चल रहा है कि आप उनको पैसा डाल दो, आपका फोन नहीं उठाते, तो ऐसे चीजों से भी बच करके रहना है। और जो ये काम होगा आपको दिल्ली जा करके सबमिट करवाना पड़ता है, और सबमिट करवाने के 40 डेज 30 डेज के अंदर जो गजट की नोटिफिकेशन आपकी आ जाती है, जिसका प्रिंट जो है आप ई गजट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जितनी मर्जी उसकी कॉपीज निकालो, जहाँ कहीं पे भी जरूरत है पासपोर्ट ऑफिस पैन कार्ड वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, कोई डाउट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।